खबर मधेपुरा से है। यहाँ पर पुरानी थाना के अंतर्गत पुरानी बाजार स्थित शांति मेडिकल हॉल के संचालक पुरानी वार्ड नंबर 10 निवासी गोविंद राम के पुत्र सज्जन राम के साथ 21 अक्टूबर सोमवार को संध्या 8:45 में मेडिकल दुकान बंद करने के दौरान दो अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार का भय दिखाकर दुकान के गले से 7 से 8 हजार रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए एसपी संदीप कुमार ने डीएसपी उदा अवनीश कुमार के नेतृत्व में थानाध्यक्ष पुरानी राघव शरण एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मी का एक टीम बनाया गया। टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर घटना का उद्भेदन करते हुए संलिप्त अपराध कर्मियों की पहचान की गई तथा संलिप्त अपराध कर्मी कोयला टोला वार्ड नंबर 1 पुरानी निवासी सुभाष सिंह का 21 वर्षीय पुत्र बंटी कुमार को एक देसी कट्टा के साथ भी गिरफ्तार किया गया। ये 21 तारीख को रात 8:45 बजे लगभग एक पुरानी थाना अंतर्गत पुरानी बाजार में शांति मेडिकल दुकान से एक लूट की घटना जो है सामने आई थी। तो चूंकि ये लगभग जिस समय ये घटना की सूचना मिली उसी समय जो है थानाध्यक्ष पुरैनी तथा जो डीएसपी हैं उदा किशनगंज उनके द्वारा वहाँ पहुंचकर घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जो हमारी टीम भी यहाँ से गई थी मधेपुरा उनके द्वारा भी जो है घटना में लग के काम किया गया। ये घटना थी कि कुछ लड़के दुकान पे गए थे और इनके द्वारा जो है इनके पास हथियार था और इनके द्वारा जो भी उसके पास गल्ले में पैसे थे वो लूट लिए गए थे। लगभग जो है इसमें 202/24 केस दर्ज करवाया गया था 22 तारीख को धारा 309 BNS में। उसके दर्ज होने के बाद 24 घंटा में ये जो फर्स्ट अरेस्टिंग है ये हुई है। जो कांड में संलिप्त अपराधी था उसको जो है हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये जो अपराधी है इसका नाम बंटी कुमार है। ये वहाँ वार्ड नंबर 1 थाना पुरैनी का ही रहने वाला है। ये घटना जो है इसने अपने अन्य साथियों से मिलकर की है। ये कांड क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में है इसलिए जो है उनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, लेकिन उनके विरुद्ध भी पुलिस जो है कल से ही छापेमारी कर रही है। बहुत जल्द उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय बात यह है कि जो इसके द्वारा घटना के क्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है तथा घटना में जो इसके द्वारा कपड़े पहने गए थे वो भी जो है इसके द्वारा पुलिस के सामने जो है वो बताया गया है। जिस संबंध में वो जो उसके कपड़े पहने थे वो भी जो है इनको एग्जिबिट बनाया गया है। तो इस प्रकार से एक देसी कट्टा है और लूट की घटना के दिन पहना हुआ उसका टी शर्ट और जो भी हाफ पैंट था वो है। आपराधिक इतिहास हम लोग श्योर हैं कि इसका है। हम लोग रिकॉर्ड खोज रहे हैं इसका आपराधिक इतिहास जो है यहाँ नहीं तो जो है आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ भी हम खोजवा रहे हैं। तो ये पूरी जो टीम लगी हुई थी इनके द्वारा एक सफल उद्भेदन है। इसमें दो से तीन आदमी को हम लोग और चिन्हित किए हुए हैं। आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जैसे अरेस्टिंग होगी आपको सूचना दे दी जाएगी। लूट कितनी की हुई थी सर? उनके द्वारा बताया गया था 7-8 हजार रुपये की, जो गले में था उसके CCTV में जैसे आया है कि वो जाता है और गले में जितना उसने उस दिन का होगा कुछ 7-8 हजार रुपया जो है इनके द्वारा बताया गया है कि वो ले गए थे ये लोग। उससे पहले भी किया था। मधेपुरा से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।